उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश सरकार इन जिलों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित करके NDRF लगाकर राहत कार्य करवा रही है, लेकिन तीर्थराज प्रयागराज के संत महात्मा और लोग गंगा माँ के बढ़ने की प्रार्थना कर रहे हैं। संतों का कहना है कि बाढ़ आने से गंगा माँ रुद्र भगवान हनुमान जी का अभिषेक करती हैं। गंगा माँ के अभिषेक करने से देश में सुख और समृद्धि आती है, और अगर इस वर्ष भी गंगा माँ ने रुद्र भगवान का अभिषेक कर दिया तो कोरोना का खात्मा हो जाएगा और देश खुशहाल होगा। प्रयाग के हनुमान जी गंगा स्नान करते हैं प्रत्येक वर्ष, और नेचुरल गंगा स्नान करते हैं, यानी भगवती गंगा स्वयं आती है। लगभग 3 किलोमीटर का परिक्षेत्र गंगा जी पार करके यहाँ आती है, हनुमान जी स्नान करते हैं, और जैसे ही हनुमान जी का स्नान होता है तो विश्व की लहर दौड़ जाती है। सदियों की परंपरा है कि जब से हनुमान जी लेते तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष गंगा मैया आती है, और यही शुभ संकेत माना जाता है कि आने वाला वर्ष निश्चित तौर पर अच्छा जाएगा, यानी हनुमान जी स्नान करते हैं। और अगर वर्ष अच्छा नहीं जाएगा इसका मतलब ये कि हनुमान जी स्नान नहीं किया। COVID-19 की समस्या चल रही है, आने वाले समय में कुंभ आने वाला है, ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी स्नान कर लेते हैं तो कुंभ अच्छा जाएगा, कोविड जल्दी खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आए और हनुमान जी को स्नान कराएं। दुनिया में जब बाढ़ आती है तो लोग रोते हैं, ट्राई करते हैं, पर यहाँ जब बाढ़ आती है मंदिर पानी में जलमग्न हो जाता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, हनुमान जी के स्नान को देख करके संसार आह्लादित होता है और आश्वस्त होता है कि आने वाला समय अच्छा जाएगा। यही कारण है कि हम प्रार्थना लगातार कर रहे हैं कि माँ आए और हनुमान जी को स्नान।